खुशियां हमेशा याद रहती हैं। इसी प्रेरणा को हम सबको अपनाते हुए कि हम सब भी ऐसी कृपया करें कि समाज हमें हमेशा याद रखे। साधु अमर रहे जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से, अपनी ओर से उनके चरणों में मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। एक ऐसे महान आत्मा की चर्चा हो रही है जिनका जीवन संघर्ष रहा है। संघर्ष का दूसरा नाम स्वर्गीय साधु कजूर। सादगी के प्रतीक साधु बुजुर्ग थे, विकास के प्रतीक साधु बुजुर्ग थे। गांव गांव में सड़क के निर्माण के लिए लगातार संघर्ष करने वाला व्यक्तित्व का नाम साधु बुजुर्ग थे। और तो और एचईसी की लड़ाई में एचईसी में स्थानीय लोगों को यहाँ के जमीन जिन रैयत है उनको नौकरी दिलाने के लिए संघर्ष करने वाला व्यक्ति का नाम साधु बुजुर्ग है। लगातार दो बार विधायक 77 में और 79 में दो बार वो विधायक रहे और दोनों बार विधायक रहे। तो विधायक आज का विधायक कोई सी पार्टी का हो लेकिन उस वक्त के साधु बुजुर्ग में बहुत मौलिक अंतर है। साधु बुजुर्ग अपने लिए नहीं जीते, उन्होंने अपने लिए राजनीति नहीं किया, उन्होंने समाज के लिए लोगों के लिए राजनीति करने का काम किया। और राजनीति को सेवा का मंत्र, राजनीति को मेवा खाने का वो साधन न बनाते हुए, राजनीति को सेवा का आधार बनाते हुए लोगों के लिए लगातार काम किया। और सच में जब उनकी मौत हुई थी आज वो भी रथ यात्रा का दिन था। जब वो जिस दिन वो स्वर्गवास हुआ उनका उस दिन भी रथ यात्रा था और आज भी रथ यात्रा है, आज भी रथ यात्रा। इसलिए ईश्वर का आज विशेष दिन हम सब लोगों के लिए, हम रथ यात्रा को भी याद कर रहे हैं और स्वर्गवासी साधु बुजुर्ग जी को भी याद कर रहे हैं दोस्तों। और सच में एक संघर्ष और ईमानदारी, कोई एक बार विधायक बन जाता है तो अपने कई पुस्तों के लिए कमाई छोड़ जाता है, धन उपार्जन करने का काम लोग करते हैं। लेकिन साधु बुजुर्ग जी के देहांत के बाद मेरी बड़ी बहन माँ के शरीके तुलसी जी को 7 बच्चों की जिम्मेवारी मिली, 7 बच्चों की। और 7 बच्चों की जिम्मेवारी के लिए कोई पिता ने कोई पूंजी नहीं छोड़ा था, ये तो उनका संस्कार था, साधु बुजुर्ग जी का संस्कार था कि मेरी माँ जैसी मेरी बहन जैसी तुलसी जी ने अपने बच्चों की शिक्षा देने का काम किया। हम जानते हैं हमारे गांव में देहात में टोले में पुराना कहावत है कि पढ़े पिता के घर में, पढ़े पिता के घर में और धरती उपजे अपने घर में। जैसा पिता का संस्कार वैसा पुत्र और उनकी बेटियों का संस्कार, जैसे पिताजी थे वो सही आरती गुजूर है, वो सही मेरी बहन आरती गुजूर है। और अपने कर्मों के आधार पर आज समाज में हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, अपने कामों के बदौलत आज अपनी एक नई मुकाम में पहुंचने का वो काम किया है। विधायक बनना एक छोटी सी बात है लेकिन समाज में लोगों के दिल में राज करना ये सबसे बड़ी बात है।
आज पिता के बताए हुए रास्ते पर हमारी बहन आरती गुजर लोगों के दिलों में राज करती है। जब कोई विस्थापन का सवाल खड़ा होता है, कोई दुखी परिवार जब खड़ा होता है, तो अपने पिता के बताए हुए रास्ते पर आरती गुजर पहुंचती है और उन दीन दुखिया के लिए संघर्ष करती है और उसको न्याय दिलाने का काम करती है। ये है पिता का संस्कार, यह है पिता का संस्कार। और पिता का संस्कार जो अपने जीवन में पा लिया, उसको जीवन में कभी कष्ट नहीं होगा, ऐसा हमारे ईश्वर के द्वारा लिखित हमारे वेदों में।